हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल्स कुकिंग पॉइंट। आज मैं बना रही हूँ महाराष्ट्र का प्रसिद्ध मोदक, जो नारियल गुड़ और चावल के आटे से बनाया जाता है। इसे स्टीम करके बनाया जाता है। ये खाने में टेस्टी तो होता ही है, साथ में हेल्दी भी होता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं मोदक बना रही हूँ नारियल गुड़ से। तो ये मैंने लिया है कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल, कद्दूकस किया हुआ गुड़, चावल का आटा, पानी, एक चम्मच घी, थोड़े से बादाम और काजू कटे हुए, दो तीन इलायची पाउडर, दो चुटकी नमक और एक केसर दूध में भिगोए हुए। सबसे पहले हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे। इस पर रखेंगे एक बर्तन, इसमें डाल देंगे एक कप पानी, एक चम्मच घी, ये थोड़ा सा नमक, नमक बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन मोदक में डलता है इसलिए मैंने डाल दिया। अब इस पानी को बॉयल होने देंगे। पानी में उबाल आने लगी है, अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें डाल देंगे चावल का आटा एक कप, मैंने जितना चावल का आटा लिया था जिस कप से उसी कप से नाप के पानी भी लिया था, तो एक कप चावल का आटा के लिए एक कप पानी। अब इसे 8 से 10 मिनट तक ऐसे ढक के छोड़ देंगे ताकि भाप में ही ये चावल का आटा अच्छे से पक जाए, फिर मोदक बनाना शुरू करेंगे। जब तक चावल का आटा तैयार हो रहा है तब तक हम स्टफिंग बना लेते हैं। एक पैन गरम करेंगे, उसमें डाल देंगे एक छोटा चम्मच घी, कटे हुए काजू बादाम, गैस की फ्लेम लो रखेंगे। अब इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ नारियल, अब इसमें डाल देंगे गुड़, आधा कप गुड़ लिया था, एक कप नारियल, लगभग 4 चम्मच होगा गुड़। गुड़ आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ मेल्ट होने तक हम इसको पकाएंगे। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है तो इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। गुड़, नारियल, इलायची पाउडर, ये सब अच्छे से मिल गया है। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। इस चावल के आटे को एक बॉल में निकाल लेंगे। अभी गरम है, थोड़ा सा ठंडा करके फिर मसल मसल के आटे की तरह डो बना लेंगे। थोड़ा ठंडा हो गया, हाथ से छू सकते हैं इसको। अब इसको खूब मसल मसल के अच्छे से खूब मसल मसल के डो बना लेंगे। अब स्टीम प्लेट लेके इसमें हल्का सा घी लगा देंगे।
इसमें मोदक चिपके ना, इसलिए घी लगा देंगे। घी लगाने से मोदक आराम से निकल आएगा। अब मोदक बनाना शुरू करते हैं। ये चावल काटा, मोदक मोल्ड में थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। उसे उंगली से सब तरफ से अच्छे से दबाते जाएंगे, बीच में एक होल कर देंगे, उसके अंदर हम स्टफिंग भरेंगे। ऐसे होल कर लेंगे, इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे। ऊपर से थोड़ा सा आटा लेके हम इसको बंद कर देंगे। सारे मोदक हम ऐसे ही बना लेंगे। लास्ट में एक दो मोदक मैं हाथ से भी बना के दिखाऊंगी। ऊपर से बंद कर देंगे अच्छे से। अब बिना मोल्ड के बनाते हैं हाथ से। एक हाथ से किनारे दबाते जाएंगे ऐसे ऐसे, और अंगूठे से बीच का ऐसे दबाते जाएंगे। किनारे पतले करते जाएंगे और बीच का ऐसे दबाते जाएंगे। इसके अंदर स्टफिंग भरेंगे और इसको हल्के से ऐसे उसका बंद कर देंगे। बन गए हमारे हाथ वाले मोदक बिना मोल्ड के। इसको भी वैसे एक हाथ से दबाते जाएंगे किनारे, एक हाथ से अंगूठे से बीच में गहरा करते जाएंगे। इसको फिर वैसे के हाथ से बिल्कुल ऐसे दबाते हुए मुंह बंद कर देंगे।
साथ मोदक मैंने बना लिया है। अब इसे स्टीम करते हैं। स्टीम करने के लिए मैंने पहले ही एक छोटे से भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो गया है, अब इसके ऊपर स्टीम वाली ट्रे रख देंगे और इसके ऊपर से ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट तक स्टीम होने देंगे। मोदक स्टीम हो गए हैं, गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसको निकाल के बाकी के मोदक भी स्टीम कर लेते हैं। स्टीम्ड मोदक तैयार है। अब इस पर थोड़ा सा हम एक केसर वाला दूध डाल देते हैं। इससे और सुंदर लगेगा। तो आप भी मोदक ट्राई करिए, पापा को भोग लगाइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए।